हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम लोग बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस और एचटीईटी कंप्यूटर साइंस का क्लास करने के लिए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे सेशन में जो है एमसीक्यू रहेगा और साथ में उसका डिस्कशन भी। तो हमारा क्वेश्चन है, टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ, यानी कि मेमोरी एक्सेस टाइम को जो है रिड्यूस करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए है हीप का, ऑप्शन बी है हायर कैपेसिटी रैम का, ऑप्शन सी है एसडी रैम का और ऑप्शन डी है कैश का। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैश। ओके, कैश मेमोरी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और हम लोग जो है मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए जो है कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो कैश मेमोरी इज ए स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो दोस्तों, हमारा जो कैश मेमोरी है एक स्मॉल, एक छोटा और हाई स्पीड मेमोरी है जो कि लोकेटेड होता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। ओके, एंड कैश मेमोरी सर्व्स एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द स्लोअर मेन मेमोरी, प्रोवाइडिंग फास्टर एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। और हमारा जो है दोस्तों, ये कैश मेमोरी जो है ये सीपीयू और स्लोअर मेन मेमोरी के बीच में जो है बफर का काम करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू और स्लोअर मेन मेमोरी के बीच में जो है बफर का काम करता है, प्रोवाइडिंग फास्टर एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। और जो भी हमारे फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा और इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसे जो है ये फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वैपिंग डैश बी डन व्हेन ए प्रोसेस हैज पेंडिंग आईओ, यानी इनपुट आउटपुट, और हैज टू एग्जीक्यूट आईओ ऑपरेशंस ओनली इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम बफर। ठीक है, तो स्वैपिंग के बारे में पूछ रहा है, स्वैपिंग कब होना चाहिए। ऑप्शन है मस्ट नेवर, ऑप्शन है मे बी, ऑप्शन है कैन, ऑप्शन डी है मस्ट। यानी कि इसका आंसर होगा मस्ट, यानी कि स्वैपिंग मस्ट बी डन, स्वैपिंग जो है मस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, स्वैपिंग जो है एकदम होना मस्ट है। कहाँ पे? तो व्हेन ए प्रोसेस हैज पेंडिंग इनपुट आउटपुट। ठीक है, जहाँ पे जो है प्रोसेस के जो पास है पेंडिंग इनपुट आउटपुट रहेगा, और हैज टू एग्जीक्यूट आईओ ऑपरेशंस, और जो है आईओ ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना रहेगा ओनली इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम बफर। जब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बफर में जो है इसे एग्जीक्यूट करना रहेगा आईओ ऑपरेशंस को, और किसी प्रोसेस के पास जो है इनपुट आउटपुट पेंडिंग रहेगा, तो वहाँ पे स्वैपिंग का होना मस्ट है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, स्वैपिंग इन कंप्यूटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मूविंग डेटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी और सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी। तो स्वैपिंग क्या होता है वो देखिए, तो स्वैपिंग जो है ये जो है प्रोसेस ऑफ मूविंग डेटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में जो है दोस्तों हम लोग जो डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, डेटा को मूव करते हैं, इसी को स्वैपिंग कहते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में जो है दोस्तों हम लोग डेटा को मूव करते हैं, इसी को स्वैपिंग कहा जाता है। जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया जिसे एसएसडी कहते हैं। ठीक है, और मेन मेमोरी में जानते ही हैं कि मेन मेमोरी में रैम हो गया, यानी रैम या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव के बीच में जो है हम लोग डेटा को जो मूव करते हैं उसी को स्वैपिंग कहा जाता है। और दोस्तों, स्वैपिंग के बारे में और भी डिटेल्स में जानिए, तो स्वैपिंग इट इज़ ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू हैंडल सिचुएशन वेयर द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी अवेलेबल रैम इज इनसफिशियंट टू होल्ड ऑल द करेंटली एक्टिव प्रोसेसेस एंड डेटा। ठीक है दोस्तों, तो स्वैपिंग जो है एक हमारा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक भी है, ये भी याद रखना है। स्वैपिंग जो है दोस्तों वो एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है
टू हैंडल सिचुएशंस वेयर द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी अवेलेबल रैम इज इनसफिशियंट टू होल्ड ऑल द करेंटली एक्टिव प्रोसेस एंड डेटा। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो पाया। स्वैपिंग जो है हमारा एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है। कब यूज किया जाता है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो वैसा सिचुएशन जहां पर जो है हमारा फिजिकल मेमोरी जो कि रैम है वो इनसफिशियंट होता है करेंटली एक्टिव प्रोसेस और डेटा को स्टोर करने के लिए, तब जो है स्वैपिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्वैपिंग का यूज कब होता है, तो स्वैपिंग का यूज जो है तब होता है जब रैम जो है हमारा इनसफिशियंट है करेंटली एक्टिव प्रोसेस और डेटा को जो है स्टोर करने के लिए। ठीक है, तब जो है स्वैपिंग यूज किया जाता है। ठीक है, स्वैपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में और भी देखते हैं। व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस डेट इट नीड्स टू फ्री अप मेमोरी फॉर अदर प्रोसेसेस, इट कैन ट्रांसफर सम ऑफ द डेटा फ्रॉम रैम टू डिस्क, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग आउट और पेजिंग आउट। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि मेमोरी को जो है मेमोरी स्पेस को फ्री करना चाहिए अदर प्रोसेसेस के लिए, तो ये क्या करता है, रैम का जो कुछ डाटा रहता है रैम को खाली करने के लिए, रैम का जो डाटा रहता है उसको डिस्क में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, इसे हम लोग स्वैपिंग आउट या फिर पेजिंग आउट कहते हैं। ठीक है, व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन डेट इट नीड टू फ्री अप मेमोरी फॉर अदर प्रोसेस, जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन करता है कि अदर प्रोसेस के लिए जो है उसे स्पेस को फ्री करना है, मेमोरी को फ्री करना है, इट कैन ट्रांसफर सम ऑफ द डेटा फ्रॉम रैम टू डिस्क, उसके बाद जो है ये अपने कुछ डेटा को जो है रैम से डिस्क में ट्रांसफर कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग आउट और पेजिंग आउट, और इसी प्रोसेस को जो है दोस्तों स्वैपिंग आउट या फिर पेजिंग आउट हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है, कन्वर्सली व्हेन द डेटा इज नीडेड अगेन इट कैन बी मूव्ड बैक फ्रॉम डिस्क टू रैम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग इन और पेजिंग इन। यहाँ पे दोस्तों देखिए, हम लोग स्वैपिंग आउट और पेजिंग आउट का कॉन्सेप्ट पढ़ें, यहाँ पर जो है हम लोग स्वैपिंग आउट और पेजिंग आउट का कॉन्सेप्ट पढ़ें, और यहाँ जो है हम लोग पढ़ेंगे स्वैपिंग इन और पेजिंग इन का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे स्वैपिंग इन और पेजिंग इन का कॉन्सेप्ट, तो सेम उसका अपोजिट है। स्वैपिंग इन और पेजिंग इन जो है दोस्तों स्वैपिंग आउट और पेजिंग आउट का अपोजिट है। स्वैपिंग आउट में क्या होता था और पेजिंग आउट क्या होता था, दोनों तो एक ही चीज़ है, तो स्वैपिंग आउट और पेजिंग आउट में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन करता था कि रैम में जो है स्पेस फ्री नहीं है, तो रैम का कुछ डेटा को जो है डिस्क में भेज देता था, इसे जो है हम लोग पेजिंग आउट या फिर स्वैपिंग आउट कहते थे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, स्वैपिंग इन और पेजिंग इन में इसमें इसका अपोजिट होगा, व्हेन द डेटा इज नीडेड अगेन, जब डेटा का अगेन आवश्यकता होगा, इट कैन बी मूव्ड बैक फ्रॉम डिस्क टू रैम, तो हम लोग जो है उसको डिस्क से, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको डिस्क से रैम में वापस भेज देगा, इसी प्रोसेस को जो है स्वैपिंग इन और पेजिंग इन कहते हैं। ठीक है, स्वैपिंग आउट और पेजिंग आउट वो हो गया जिसमें रैम जो है अब डेटा को डिस्क में भेजता है, वो स्वैपिंग आउट और पेजिंग आउट हो गया, और पेजिंग इन और स्वैपिंग इन में क्या है, डिस्क वापस रैम को भेजता है, डिस्क जो है डेटा को वापस रैम को भेजता है, उसे स्वैपिंग इन और पेजिंग इन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ही ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको क्लियर किए इतना टाइम लेके। अब है, एक्सेसिव स्वैपिंग कैन लीड टू डिग्रेडेड सिस्टम परफॉर्मेंस ड्यू टू इंक्रीज डिस्क आईओ ऑपरेशन एंड लॉन्गर रिस्पॉन्स टाइम। तो एक्सेसिव स्वैपिंग जब होगा तो वो जो है सिस्टम परफॉर्मेंस को जो है डिग्रेड कर देगा। ओके, एक्सेसिव स्वैपिंग होगा यानी कि जब एक्सेस स्वैपिंग होगा तो ये जो है सिस्टम परफॉर्मेंस को जो है डिग्रेड कर देगा। अब है, ओवरऑल स्वैपिंग इज ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। स्वैपिंग जो है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वाइटल रोल प्ले करता है, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है ये वाइटल कंपोनेंट है, और स्वैपिंग जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। ओके फ्रेंड्स, हेल्पिंग टू इंश्योर डैट अवेलेबल मेमोरी इज यूज्ड इफिशियंटली एंड डैट सिस्टम स्टेबिलिटी इज मेंशनड इवन व्हेन मेमोरी डिमांड्स एक्सीडेड फिजिकल रैम कैपेसिटी। ओके, तो ये हेल्प करने में इंश्योर करता है डैट अवेलेबल मेमोरी इज यूज्ड एफिशियंटली, ये
हम लोगों को इंश्योर करता है कि अवेलेबल मेमोरी जो है वो रिसोर्सेज को जो है एफिशिएंटली यूज किया है, एंड डेट सिस्टम स्टेबिलिटी इज मेंशनड, और सिस्टम का स्टेबिलिटी जो है वो मेंशनड है, इवन वेन मेमोरी डिमांड्स एक्सीड फिजिकल रैम कैपेसिटी। अब जो है जब इवन वेन मेमोरी डिमांड्स एक्सीड, जब मेमोरी जो है डिमांड्स करता है एक्सीड का, यानी कि ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है, तो फिजिकल रैम कैपेसिटी को जो है दोस्तों इंक्रीज किया जाता है। अब है रिगार्डलेस ऑफ द एप्लीकेशन एरिया, प्रोजेक्ट साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क में डिवाइडेड इनटू 3 जेनेरिक फेजेज। ठीक है, तो कौन कौन से फेजेज में जो है दोस्तों सॉफ्टवेयर को जो है हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एप्लीकेशन एरिया में प्रोजेक्ट साइज कॉम्प्लेक्सिटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क में जो है दोस्तों हम लोग सॉफ्टवेयर को कितने फेजेज में डिवाइड करते हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है ये भी। तो पहला देख लीजिए, सबसे पहले जो होगा डिफिनेशन, सबसे पहले होगा डिफिनेशन, उसके बाद जो होगा डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के बाद होगा सपोर्ट। ठीक है, यानी कि डिफिनेशन फेज जो है वो हमारा डिफाइन करेगा विच फोकसेस ऑन व्हाट। ठीक है, और हमारा जो है डेवलपमेंट फेज जो है ये फोकस करेगा हाउ, डेवलपमेंट फेज जो है ये फोकस करेगा हाउ, मतलब कि कैसे करना है, एंड द सपोर्ट फेज फोकसेस ऑन चेंज, और सपोर्ट फेज जो है दोस्तों वो चेंज पर फोकस करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए वही है कि डिफिनेशन फेज जो है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3 जेनरिक फेजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो 3 जेनरिक फेज होता है उसमें डिफिनेशन फेज जो है वो डिफाइन करेगा विच फोकसेस ऑन व्हाट। ठीक है, किस चीज़ पे फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, ये डिफिनेशन फेज कंसिस्ट करता है। फिर है डेवलपमेंट फेज, विच फोकसेस ऑन हाउ, डेवलपमेंट फेज जो है ये फोकस करता है कि कैसे करना है। सपोर्ट फेज जो है ये फोकसेस ऑन चेंज, ये जो है चेंज पर फोकस करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन, यानी कि रिकर्सन का इस्तेमाल करने के लिए जो है, रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हम लोग कौन से डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है क्यू डाटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है लिस्ट, ऑप्शन डी है एरे। ठीक है, तो दोस्तों मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा स्टैक, यानी कि रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हम लोग स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दोस्तों रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब है रिकर्सन के बारे में आइए कुछ कॉन्सेप्ट जान लें। तो रिकर्सन इज ए प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो रिकर्सन जो है दोस्तों वो एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है, रिकर्सन जो है दोस्तों वो है एक प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जिसमें कि फंक्शन जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो इटसेल्फ को कॉल करता है, वो खुद को कॉल करता है। ठीक है, रिकर्सन जो है एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें कि ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, फंक्शन जो है इटसेल्फ को कॉल करता है, खुद को कॉल करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन अदर वर्ड रिकर्सिव फंक्शन इज वन डैट परफॉर्म्स रिपीटिटिव टास्क बाय कॉलिंग इट सेल्फ विद इन इट्स ऑन डिफिनेशन। अदर भाषा में, अदर शब्दों में, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं रिकर्सिव फंक्शन वो है जो रिपीटिटिव टास्क को परफॉर्म करता है अपने आप को ही कॉल करके, बाय कॉलिंग इट सेल्फ जो है रिपीटिटिव टास्क को परफॉर्म करता है उसे जो है हम लोग रिकर्सन कहते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, अब है स्टैक, हमारे ऑप्शन में स्टैक भी था तो हम लोग स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लेते हैं। इन डेटा स्ट्रक्चर स्टैक कीजिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, तो प्रोग्रामिंग में जो है, सॉरी प्रोग्रामिंग कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में जो है स्टैक जो है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर में जो है दोस्तों स्टैक जो है हमारा वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है।
डेट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो प्रिंसिपल। और दोस्तों याद रखना है, हमारा स्टैक जो है वो लिफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। स्टैक जो है हमारे लिफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का आप लोग एग्जांपल ये भी देख सकते हैं, हम लोग पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर जो है प्लेट जो सजा रहता है, जो प्लेट लास्ट में इंटर हुआ है, ठीक है, उसे ही पहले निकाला जाता है। यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो डेटा लास्ट में इंटर हुआ है वही डेटा को जो है पहले रिमूव किया जाएगा। हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है इसी लिफो प्रिंसिपल पे ही काम करता है। दिस मीन्स डैट लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड, ठीक है। दिस मीन्स डैट द लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। यानी कि स्टैक में जो है दोस्तों, जो एलिमेंट को हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे उस एलिमेंट को जो है पहले रिमूव करेंगे। स्टैक में जो है दोस्तों, जिस एलिमेंट को हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे उसी एलिमेंट को जो है पहले रिमूव करते हैं, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल को हम लोग लिफो प्रिंसिपल कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। साथ में ये भी याद ही रख साथ में ये भी याद ही रख लेना है, स्टैक जो है डेटा स्ट्रक विच डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन। तो रिकर्सन का इस्तेमाल करने के लिए, रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हम लोग स्टैक का यूज करते हैं, और स्टैक जो है दोस्तों लिफो प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। अब स्टैक के जो ऑपरेशंस हैं उसको देख लीजिए। स्टैक में दो ऑपरेशन होता है मेनली, एक पुश ऑपरेशन और दूसरा पॉप ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। स्टैक का जो मेन ऑपरेशन है उसको देख लीजिए, पहला है पुश ऑपरेशन, दूसरा है पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन में क्या होता है, एडिंग एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक के टॉप में जो है हम लोग किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं, उसे हम लोग पुश कहते हैं, पुश ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। स्टैक के टॉप में जो है दोस्तों, हम लोग किसी एलिमेंट को जो ऐड करते हैं उसे हम लोग पुश कहते हैं, पुश ऑपरेशन कहते हैं। और पॉप ऑपरेशन में क्या होता है, रिमूविंग द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। और स्टैक से जो है दोस्तों हम लोग टॉप एलिमेंट को रिमूव करते हैं उसे हम लोग पॉप कहते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टैक के जो टॉप एलिमेंट होते हैं जिसे हम लोग रिमूव कहते हैं, रिमूव करते हैं, उसे जो है पॉप ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो पुश और पॉप ऑपरेशन जो है दोस्तों आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, स्टैक का यही दो मेनली ऑपरेशंस होता है, और स्टैक जो है लिफो प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। अब है, ये तो हो ही चुका है। अब है द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज, ये जो है हमारा नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का जो है एड्रेस जो है मतलब कितने बिट का है, ठीक है। IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का जो है लेंथ पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 32 बिट, ऑप्शन बी है 64 बिट, ऑप्शन सी है 256 बिट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है IPv6 वर्जन का जो है लेंथ पूछ रहा है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव, इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि 32 बिट IPv6 का एड्रेस होता नहीं है, 64 बिट इसका एड्रेस होगा नहीं, 256 बिट भी इसका एड्रेस होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। 32 बिट जो है IPv4 का एड्रेस होता है, और 64 बिट जो है ये मैक एड्रेस का लेंथ होता है, ठीक है दोस्तों। और IPv6 का एड्रेस जो है वो जो होता है 128 बिट का होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज 128 बिट, द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज 128 बिट। यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का जो है लेंथ होता है वो 128 बिट का होता है, ठीक है दोस्तों। IPv6 का जो है दोस्तों लेंथ होगा वो 128 बिट का होगा, ठीक है। और दिए गए ऑप्शन में जो है कहीं पे भी 128 बिट दिया हुआ था नहीं, इस कारण जो है इसका आंसर जो है दोस्तों नन ऑफ द एबव होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे क्या है, हाँ, द लेंथ ऑफ एन IPv4 एड्रेस इज 32 बिट, और हमारा जो IPv4 एड्रेस होता है उसका लेंथ जो है 32 बिट का होगा। हम लोग अभी डिस्कस किए भी थे कि IPv4 एड्रेस जो होता है ना दोस्तों, उसका लेंथ होगा 32 बिट का। IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो होगा उसका एड्रेस होगा 32 बिट का। ओके, अब यहाँ देख लीजिए, द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इज 48 बिट, और अभी हम लोग बताए भी थे, ठीक है, यहाँ सॉरी, यहाँ 64 बिट बताए थे मैक एड्रेस का, वो गलत होगा। मैक एड्रेस का जो है 64 बिट नहीं होगा, मैक एड्रेस का जो है 48 बिट होगा, ठीक है दोस्तों। द लेंथ ऑफ ए मैक एड्रेस इज 48 बिट। ओके फ्रेंड्स, मैक एड्रेस का जो है दोस्तों लेंथ होगा 48 बिट का, और मैक एड्रेस को जो है हम लोग कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और मैक एड्रेस को जो है हम लोग कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है फ्रेंड्स। मैक एड्रेस को क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके फ्रेंड्स, और ये 48 बिट का होता है, टाइपिकली रिप्रेजेंट एज हेक्साडेसिमल डिजिट, ये जो है हेक्साडेसिमल डिजिट से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और कॉलम्स और हाइपन से जो है ये सेपरेटेड रहता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लासेस इन सी प्लस प्लस डिफर, हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लासेस इन सी प्लस प्लस डिफर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर और क्लास जो है कैसे डिफर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट हाइड एवरी मेंबर वेयर क्लासेस टू नो, तो यहाँ पे कह रहा है स्ट्रक्चर जो है बाय डिफॉल्ट एवरी मेंबर को हाइड करता है, और क्लासेस जो है हाइड नहीं करता है बाय डिफॉल्ट। ऑप्शन बी है, इन स्ट्रक्चर्स मेंबर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट वेयर एज इन क्लास दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। यहाँ कह रहा है स्ट्रक्चर में जो है मेंबर पब्लिक बाय डिफॉल्ट होता है, और क्लासेस में जो है मेंबर्स प्राइवेट होता है बाय डिफॉल्ट। फिर हमारा ऑप्शन सी है, स्ट्रक्चर कैन नोट हैव प्राइवेट मेंबर वेयर हैज क्लासेस कैन हैव। फिर है स्ट्रक्चर के पास जो है दोस्तों प्राइवेट मेंबर नहीं होता है, और क्लासेस के पास जो है प्राइवेट मेंबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर जो है हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। मतलब कि फ्रेंड्स कहना ये है, इसका आंसर जो होगा स्ट्रक्चर का जो मेंबर होता है ना दोस्तों सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होता है, और क्लासेस जो है दोस्तों उसका मेंबर्स जो है सी प्लस प्लस में वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, स्ट्रक्चर और क्लास एक दूसरे से कैसे डिफर होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ऑप्शन सी है, स्ट्रक्चर कैन नोट है प्राइवेट मेंबर, स्ट्रक्चर के पास जो है प्राइवेट मेंबर नहीं होते हैं वेयर आज क्लासेस कैन हैव, और क्लासेस के पास जो है प्राइवेट मेंबर होते हैं, तो सही बात है। इसलिए जो है ऑप्शन बी और सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, फिर है, इन स्ट्रक्चर्स मेंबर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट वेयर एज इन क्लासेस दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे क्या वही बात रहा है कि स्ट्रक्चर में जो है मेंबर्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, ठीक है दोस्तों। सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर में जो है मेंबर्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक होंगे, और सी प्लस प्लस क्लासेस में जो है इसका क्लास के मेंबर्स जो होंगे वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, और क्लासेस में जो है दोस्तों इसके मेंबर्स जो हैं बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होंगे, ठीक है। अब है, इन सी प्लस प्लस द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर मेंबर्स इन ए स्ट्रक्चर इज पब्लिक, ठीक है। सी प्लस प्लस में जो है दोस्तों डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर स्ट्रक्चर के मेंबर्स के लिए जो है वो पब्लिक होगा, डैट मीन ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर आर एक्सेसिबल आउटसाइड द स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी एक्सेसिबल हैं आउटसाइड द स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर के बाहर भी जो हैं वो बाय डिफॉल्ट जो है एक्सेसिबल हैं, और क्लासेस के जो मेंबर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट, हाउएवर इन क्लासेस द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर मेंबर इज प्राइवेट, ठीक है दोस्तों। हालांकि क्लास में जो है डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो मेंबर्स के लिए होता है प्राइवेट होता है, मीनिंग डैट दे आर एक्सेसिबल ओनली व्हेन विद इन द क्लास इट्सेल्फ।
यानी कि क्लास के सी प्लस प्लस में जो है क्लास के जो भी मेंबर्स होते हैं वो क्लास के अंदर ही क्लास के विद इन ही जो है वो एक्सेसिबल होते हैं। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर में क्या है, तो स्ट्रक्चर में जो है स्ट्रक्चर के जो भी मेंबर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर के आउटसाइड भी एक्सेसिबल होते हैं। दो ही पॉइंट इसमें क्लियर रखना है कि सी प्लस प्लस में जो है डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है स्ट्रक्चर के मेंबर के लिए वो पब्लिक होता है, और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो है क्लास का जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है, डिफ़ॉल्ट एक्सेस जो होता है वो प्राइवेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टॉपोलॉजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टॉपोलॉजी। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए इन सभी में से जो है कौन सा ऑप्शंस जो है वो नेटवर्क टॉपोलॉजी नहीं है। ऑप्शन ए है पीयर टू पीयर टॉपोलॉजी, ऑप्शन बी है रिंग टॉपोलॉजी, ऑप्शन सी है बस टॉपोलॉजी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पूछ रहा है बताइए इन सभी ऑप्शंस में से जो है कौन ऑप्शन जो है वो नेटवर्क टॉपोलॉजी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा पीयर टू पीयर, हमारा आंसर हो जाएगा पीयर टू पीयर। ओके फ्रेंड्स, यानी कि पीयर टू पीयर जो है ये नेटवर्क टॉपोलॉजी नहीं है, बाकी रिंग जो है हमारा टॉपोलॉजी है, टॉपोलॉजी का एक टाइप्स है, रिंग टॉपोलॉजी होता है, फिर बस है ये भी जो है एक टॉपोलॉजी का ही टाइप्स है, बाकी पीयर टू पीयर जो है दोस्तों वो कोई नेटवर्क टॉपोलॉजी नहीं होता है। ठीक है, तो आइए नेटवर्क टॉपोलॉजी के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। नेटवर्क टॉपोलॉजी रेफर्स टू द अरेंजमेंट और लेआउट ऑफ द इंटरकनेक्टेड डिवाइस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क टॉपोलॉजी जो है दोस्तों वो जो है एक अरेंजमेंट है, एक लेआउट है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का कंप्यूटर नेटवर्क में, जैसे कि हमारा कंप्यूटर सर्वर हो गया, राउटर हो गया, स्विच हो गया, ईटीसी। ओके, अब है नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइंस हाउ दिज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू इच अदर एंड हाउ डेटा फ्लोज विद इन द नेटवर्क। और दोस्तों नेटवर्क टोपोलॉजी जो है हमारा ये डिफाइन करता है कि जितने भी डिवाइसेज जो हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं, वो कैसे इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, और डेटा फ्लो जो है नेटवर्क के अंदर में कैसे होता है ये नेटवर्क टोपोलॉजी ही डिसाइड करता है। डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और जितने भी डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी हैं सभी के जो है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग एडवांटेज होते हैं और अलग डिसएडवांटेजेज भी होते हैं। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप्स को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप्स को देखेंगे। पहला है बस टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सेंट्रल केबल बस। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि बस टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइसेज हैं वो जो है एक सिंगल सेंट्रल केबल से जो है कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा बस टोपोलॉजी है और एक सिंगल वायर केबल से जो है ये कनेक्टेड है। बस टोपोलॉजी जो है दोस्तों वो सिंगल वायर केबल से जो है उसमें जितने भी नोड्स होते हैं वे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप लोग ये हमारा बस टोपोलॉजी का डायग्राम है, पिक्चर का भी यूज करते हैं दोस्तों ताकि आप लोगों को जो है आसानी से समझ में आ जाए पिक्टोरियल फॉर्म में। ओके, तो हो गया कि इन दिस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सेंट्रल केबल। तो यही जो है हमारा सिंगल सेंट्रल केबल है, इसी से जो है सारे डिवाइसेज कनेक्टेड होते हैं बस टोपोलॉजी में। ठीक है, और अब जो है अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि डेटा इज ट्रांसमिटेड एलोंग द बस। डेटा जो है बस के अलोंग ही ट्रांसमिटेड किया जाता है, और जो है इच डिवाइस रिसीव्स ऑल ट्रांसमिशंस। और जितने भी डिवाइस हैं दोस्तों वो सभी के सभी जो हैं ट्रांसमिशन को जो है दोस्तों वो रिसीव करते हैं। डिवाइसेज मे हैव यूनिक एड्रेस टू डिटरमाइन वेदर दे शुड प्रोसेस द ट्रांसमिटेड डेटा। और डिवाइसेज के पास जो है यूनिक एड्रेस हो सकता है डिटरमाइन करने के लिए वेयर दे शुड प्रोसेस द ट्रांसमिटेड डेटा। वो जो है अपने ट्रांसमिटेड डेटा को जो है कहाँ पे जो है प्रोसेस करेंगे, इसके लिए जो दोस्तों डिवाइसेज के पास में जो है यूनिक एड्रेस भी हो सकता है।
ठीक है, तो बस टोपोलॉजी हो गया क्लियर। सिंपल सा बात है कि बस टोपोलॉजी में एक सिंगल सेंट्रल वायर होता है और जितने भी इसके डिवाइसेज हैं सारे इसी से कनेक्टेड होते हैं। अब है स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी हो गया, अब हम लोग स्टार टोपोलॉजी पढ़ेंगे। इन ए स्टार टोपोलॉजी इच डिवाइस इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए सेंट्रल हब और स्विच। इन ए स्टार टोपोलॉजी इच डिवाइस इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए सेंट्रल हब और स्विच। दोस्तों स्टार टोपोलॉजी में जो है जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो डायरेक्टली जो है एक सेंट्रल हब और स्विच से जो है कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो देख रहे होंगे ये जो है स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम है और जितने भी डिवाइसेज जो हैं ये एक हब से जो है कनेक्टेड हैं। ठीक है, जितने भी डिवाइसेज हैं वो सभी जो है एक हब से कनेक्टेड हैं। बस टोपोलॉजी में क्या था, एक सिंगल वायर था उसी से जो है सारे डिवाइस कनेक्टेड थे। ठीक है, लेकिन स्टार टोपोलॉजी में जो क्या है एक सेंट्रल हब है और इसी हब से जो है सारे डिवाइसेज कनेक्टेड हैं। देख रहे हैं ये हब है और इसी हब से जो है दोस्तों सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं। ठीक है, फिगर देख के क्लियर हो गया होगा कि इन स्टार टोपोलॉजी इच डिवाइसेज इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए सेंट्रल हब और स्विच। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में जो है जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो सेंट्रल हब और स्विच से जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ऑल डेटा पासिस थ्रू द सेंट्रल हब विच मैनेजेज एंड डायरेक्ट द ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेज। जितने भी डेटा होते हैं दोस्तों वो सभी के सभी जो है सेंट्रल हब के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी में जो है दोस्तों जितने भी जो है डेटा पास करना होता है वो सेंट्रल हब के थ्रू ही होता है। सेंट्रल हब ही जो है इसे मैनेज करता है एंड डायरेक्ट द ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेज, और डिवाइसेज के बीच में जो है ट्रैफिक को भी डायरेक्ट करने का काम हब ही करता है। ठीक है, इफ़ वन डिवाइस फेल्स इट डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि अगर एक डिवाइस फेल भी कर जाता है किसी कारणवश, ठीक है, तो दूसरे डिवाइस पर जो है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ेगा असर, दोस्तों आप देख ही रहे हैं डायग्राम में कि जितने भी डिवाइसेज हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड तो है नहीं, जितने भी डिवाइसेज हैं वो सारे के सारे जो है स्टार टोपोलॉजी में वो हब से ही कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसमें अगर एक डिवाइस फेल भी कर जाए तो इस डिवाइस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब डिवाइस जो है सेपरेटली जो है हब से कनेक्टेड है, हब से कनेक्टेड है। ओके, अब है रिंग टोपोलॉजी। इन ए रिंग टोपोलॉजी इच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर डिवाइस फॉर्मिंग ए क्लोज लूप और रिंग। और रिंग टोपोलॉजी में जो है जितने भी डिवाइस हैं वो कनेक्टेड होते हैं एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेस से जो कि एक क्लोज लूप और रिंग को बनाते हैं। ठीक है, तो देख ही रहे हैं दोस्तों ये है हमारा रिंग टोपोलॉजी, और रिंग टोपोलॉजी में जो है जितने भी डिवाइसेज जो हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये डिवाइस इससे कनेक्टेड है, ये डिवाइस इससे कनेक्टेड है, ये डिवाइस इससे कनेक्टेड है, ये डिवाइस इससे कनेक्टेड है। तो रिंग टोपोलॉजी में जो है दोस्तों जितने भी डिवाइसेज हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये जो है एक क्लोज्ड लूप का फॉर्मेट बना रहा है। ठीक है, और ये जो है एक रिंग का भी फॉर्मेट बना रहा है। डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग पासिंग थ्रू इच डिवाइस अनटिल इच रीचेज इट्स डेस्टिनेशन। और इसमें डेटा जो ट्रेवल्स होता है एक डायरेक्शन में होता है रिंग के अनुसार। ठीक है, पासिंग थ्रू इच डिवाइस अनटिल इट रीचेज इट डेस्टिनेशन, जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन को नहीं पहुंच जाता है। डेटा जो है वन डायरेक्शन में ही रिंग के अराउंड में ट्रेवल्स करता है और इच डिवाइस में वो पासिस करता है अनटिल वो अपने डेस्टिनेशन को रीच नहीं कर जाता है। फिर है हमारा मेश टोपोलॉजी। देख लीजिए दोस्तों ये हमारा मेश टोपोलॉजी का फिगर है। ठीक है, पहले ही समझा देते हैं कि मेश टोपोलॉजी में जो है दोस्तों जितने भी डिवाइस होते हैं वो सभी के सभी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मेश टोपोलॉजी में जो है जितने भी नोड होते हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी देख लिया जाए। इन मेश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, एक मिनट होल्ड करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो मेश टोपोलॉजी में जो है एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। तो मेश टोपोलॉजी में जो है दोस्तों जितने भी डिवाइस होते हैं वो सभी डिवाइस जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दिस कैन क्रिएट रिडेंडेंट पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ये जो है डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो है रिडेंडेंट पाथ को क्रिएट करता है, रिलायबिलिटी को इन्हांस करता है और फॉल्ट टॉलरेंस को भी जो है इन्हांस करता है। ठीक है, मेश टोपोलॉजी कैन बी फुल मेश। मेश टोपोलॉजी जो है फुल मेश या फिर पार्शियल मेश भी हो सकता है।
ठीक है, फुल मेश कहने का मतलब ये हुआ कि एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस, जितने भी डिवाइस जो वो अदर डिवाइस से कनेक्टेड हो सकते हैं, और मेश टोपोलॉजी जो है पार्शियल मेश भी हो सकता है, यानी कि ओनली सम डिवाइसेज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेज। ठीक है दोस्तों, तो मेश टोपोलॉजी हमारा वही हो गया कि जिसमें सारे डिवाइस जो हैं एक दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड रहेंगे, जिस कारण क्या होगा कि ये जो है दिस कैन क्रिएट रिडंडेंट पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो है रिडंडेंट पाथ को क्रिएट करेगा, इन्हेंस रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस और रिलायबिलिटी को भी जो है ये इन्हांस करेगा। ठीक है, ये है हमारा मेश टोपोलॉजी, और मेश टोपोलॉजी में जो है जितने भी नोड हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं। और इसके बाद जो है एक टोपोलॉजी हमारा होता है, उसका नाम है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एक टोपोलॉजी है उसका नाम है ट्री टोपोलॉजी, और ट्री टोपोलॉजी को जो है अल्सो ने ट्री टोपोलॉजी को जो है हम लोग हायरार्कियल टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी इज अल्सो नोन एज हायरार्कियल टोपोलॉजी, दिस स्ट्रक्चर रिसेम्बल्स ए ट्री। ठीक है, और ट्री टोपोलॉजी जो है हायरार्कियल स्ट्रक्चर में होता है, ये जो है एक ट्री का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, देख ही रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, देख रहे हैं, एक रूट हो गया, बाकी सारे इसके नोड हो गए, फिर ये रूट हो गया, फिर इसके नोड हो गए, ये रूट हो गया, फिर इसके सब चाइल्ड हो गए। ठीक है, तो ये हायरार्कियल फॉर्म में है, इसीलिए जो है हम लोग इसे ट्री टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी अल्सो नोन एज हायरार्कियल टोपोलॉजी, दिस स्ट्रक्चर रिजेम्बल्स ए ट्री विथ ए रूट नोड, मेन हब और स्विच कनेक्टेड टू सेकेंडरी हब विच इन टर्न कनेक्ट टू डिवाइसेज, इट कम्बाइन एस्पेक्ट्स ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। और दोस्तों हमारा ट्री टोपोलॉजी जो है इसमें देख रहे हैं एक रूट नोड है, और उसी से जो है बाकी सारे जो है सेकेंडरी हब जो है कनेक्टेड हैं, और ट्री टोपोलॉजी जो है एक कंबाइन करता है स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी को। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग नेटवर्क के जितने भी टोपोलॉजीज के टाइप्स होते हैं उस सभी को हम लोग पढ़ ही रहे हैं, यही तो खासियत है हमारे सेशन की, कॉन्सेप्ट और साथ में एमसीक्यू हो जाता है। फिर है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है हमारा दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का जो है कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है दोस्तों वो जो है हमारा दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी का जो है ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये जो है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी है दोस्तों। ठीक है, ये फिगर जो है दोस्तों हाइब्रिड टोपोलॉजी का ही फिगर है। ओके, ये फिगर जो है दोस्तों वो हाइब्रिड टोपोलॉजी का ही फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर्स इट बिकम्स, व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स, जब कोई मेल सर्वर जो है मेल को सेंड करता है अदर मेल सर्वर पे तो ये क्या बन जाता है। व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स, जब कोई मेल सर्वर जो है अदर मेल सर्वर पे सेंड करता है ईमेल मेल को तो वो क्या बन जाता है। पहला है एसएमटीपी क्लाइंट्स, ऑप्शन बी है एसएमटीपी सर्वर, ऑप्शन सी है पीर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों जब कोई मेल सर्वर जो है अदर मेल सर्वर पर मेल को सेंड करता है तो बिकम हो जाता है, तो हो जाता है एसएमटीपी क्लाइंट। जब कोई मेल सर्वर जो है अदर मेल सर्वर पे मेल सेंड करता है तो एसएमटीपी क्लाइंट बन जाता है। ठीक है, तो आइए इसका डिस्कशन देखा जाए। When a mail server sends mail to other mail server, it acts as an SMTP. ठीक है, जिसे कि हम लोग सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, SMTP क्लाइंट, यानी कि जब कोई मेल सर्वर जो है अदर मेल सर्वर पे मेल को सेंड करता है तो बन जाता है SMTP क्लाइंट। और SMTP का जो है फुल फॉर्म होगा वो होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, और SMTP का जो है फुल फॉर्म होगा वो होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखना है दोस्तों, SMTP का फुल फॉर्म होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP इज द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स बिटवीन सर्वर्स ऑन द इंटरनेट।
SMTP is the protocol used for sending emails between server on the internet. SMTP जो है दोस्तों, ये एक हमारा प्रोटोकॉल है जो कि इस्तेमाल करता है, जो कि इस्तेमाल होता है इंटरनेट पे ईमेल को सेंड करने के लिए, ठीक है। SMTP जो है दोस्तों, सिंपल सा समझिए कि SMTP प्रोटोकॉल का जो है यूज जो है हम लोग ईमेल भेजने में करते हैं, बिटवीन द डिफरेंट सर्वर्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पे जो है सर्वर्स के बीच में जो है दोस्तों ईमेल भेजने का काम जो है SMTP प्रोटोकॉल करता है। आप लोगों को याद रखना है ईमेल भेजने का काम कौन सा प्रोटोकॉल करेगा, तो ईमेल भेजने का काम जो है दोस्तों SMTP प्रोटोकॉल करता है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज द यूज ऑफ iOS ट्रंक मोड, ठीक है। iOS ये जो ट्रंक मोड है इसका क्या यूज होता है, ऑप्शन ए है टू ओपन ए फाइल इन इनपुट मोड, फाइल को इनपुट मोड में ओपन करने के लिए, टू ओपन ए फाइल इन आउटपुट मोड, फाइल को आउटपुट मोड में ओपन करने के लिए, टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टिंग फाइल टू जीरो, एग्जिस्टिंग फाइल को जो है ट्रंकेट करके जीरो करने के लिए, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, ठीक है दोस्तों। तो iOS ट्रंक मोड का जो है क्या यूज है वो पूछ रहा है, तो इसका यूज जो है टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टिंग फाइल टू जीरो, एग्जिस्टिंग फाइल को जो है ट्रंकेट करके जीरो करने के लिए जो है दोस्तों यूज किया जाता है iOS ट्रंक मोड का, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इन C++ iOS ट्रंक मोड इज यूज व्हेन ओपनिंग ए फाइल विदाउट द इंटेंशन टू ट्रंकेट द फाइल टू जीरो लेंथ इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। दिस मोड इज टाइपिकली यूज व्हेन यू वांट टू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग बट यू वांट टू इंश्योर दैट एन एग्जिस्टिंग कंटेंट इज द फाइल इज क्लियर बिफोर राइटिंग ए न्यू डाटा टू इट। सिंपल सा वही हुआ कि iOS ट्रंक मोड जो है एग्जिस्टिंग फाइल को जो है ट्रंकेट करने में काम आता है, ठीक है। अब है विच लेयर ऑफ द TCP/IP स्टैक कॉरेस्पॉन्ड टू द OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर, विच लेयर ऑफ द TCP/IP स्टैक कॉरेस्पॉन्ड्स टू द OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है दोस्तों। तो TCP/IP स्टैक का जो है कौन सा लेयर जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर से, ठीक है दोस्तों। TCP/IP स्टैक का जो है दोस्तों कौन सा लेयर जो है वो OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर से जो है कॉरेस्पॉन्ड करता है, ऑप्शन ए है होस्ट टू होस्ट, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन, ऑप्शन सी है इंटरनेट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा होस्ट टू होस्ट, इसका आंसर हो जाएगा होस्ट टू होस्ट, यानी कि होस्ट टू होस्ट लेयर जो होता है TCP/IP स्टैक का वो क्रोस्पॉन्ड करता है OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के। TCP/IP लेयर का जो है दोस्तों होस्ट टू होस्ट लेयर जो होता है वो OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के क्रोस्पॉन्ड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसका डिस्कशन है, डिस्कशन भी देख लिया जाए, ठीक है। तो इन द TCP/IP मॉडल द होस्ट टू होस्ट लेयर क्रोस्पॉन्ड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर इन द OSI मॉडल। तो TCP/IP मॉडल का जो है दोस्तों होस्ट टू होस्ट लेयर होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर क्रोस्पॉन्ड होता है, ठीक है दोस्तों। TCP/IP मॉडल का जो है दोस्तों होस्ट टू होस्ट लेयर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के क्रोस्पॉन्ड होता है। This layer is responsible for end-to-end communication between host, ensuring that data is reliably transmitted, ordered and error checked. और दोस्तों ये error जो है responsible होता है end-to-end communication के लिए host के बीच में, और दोस्तों ये device जो है हमारा host to host TCP/IP model का ये responsible होता है end-to-end communication का between host, और इंश्योर करता है कि डाटा जो है रिलायबल ट्रांसमिट हुआ है, ऑर्डर्ड और एरर चेक्ड है। TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एंड UDP डेट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल आर द टू मेन प्रोटोकॉल यूज्ड एट दिस लेयर, दोस्तों। और इस लेयर में जो है हम लोग TCP और UDP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस लेयर में जो है हम लोग TCP और UDP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। TCP जिसे कि हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं, TCP जिसे कि जो है हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं, एंड UDP जिसे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं,
ठीक है, और ये दोनों प्रोटोकॉल जो है इस लेयर में इस्तेमाल होता है, ओके, होस्ट टू होस्ट लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछ रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंबाइन टू और मोर फाइल्स ओपनिंग मोड इन ओपन मेथड, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंबाइन टू और मोर फाइल्स, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है दो और दो से ज़्यादा फाइल्स को जो है ओपनिंग मोड में ओपन मेथड में कंबाइन करना। दूसरा है, इट इज पॉसिबल टू कंबाइन टू और मोर फाइल्स ओपनिंग इन मोड इन ओपन मेथड, और दूसरा कह रहा है कि सेम बात उसका अपोजिट है कि ये पॉसिबल है दो या दो से ज़्यादा फाइल्स को जो है हम लोग ओपनिंग मोड में ओपन मेथड से कंबाइन कर सकते हैं। फिर है iOS in और फिर है iOS out, ठीक है, ये जो है एक के बारे में बोल रहा है ये इनपुट है और दूसरे के बारे में बोल रहा है ये आउटपुट फाइल है और ओपनिंग मोड रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों इसका आंसर जो है हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द पिंग कमांड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द पिंग कमांड। अब यहाँ पे जो है पूछ रहा है बताइए पिंग कमांड के रिगार्डिंग में जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पिंग स्टेटमेंट फॉर पैकेट इंटरनेट जनरेटर, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्या पिंग जो है उसका फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट जनरेटर। फिर है ऑप्शन बी, द पिंग कमांड चेक्स द पोर्ट लेवल कनेक्टिविटी बिटवीन सोर्स डेस्टिनेशन एंड एंड पॉइंट, और पिंग कमांड जो है वो चेक करता है पोर्ट लेवल कनेक्टिविटी को सोर्स और डेस्टिनेशन एंड पॉइंट के बीच में। उसके बाद है ऑप्शन सी, पिंग समराइजेज द पैकेट्स लॉस एंड राउंड ट्रिप डिले बिटवीन टू आईपी एंड पॉइंट, और पिंग जो है समराइज करता है पैकेट लॉस को और राउंड ट्रिप डिले बिटवीन टू आईपी एंड पॉइंट के बीच में। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ पे वही पूछ रहा है कि पिंग कमांड के बारे में जो है कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, पिंग समराइज द पैकेट लॉस, पिंग जो है पैकेट लॉस को समराइज करता है एंड राउंड ट्रिप डिले बिटवीन टू आईपी एंड पॉइंट, और राउंड ट्रिप डिले को भी समराइज करता है दो आईपी एंड पॉइंट के बीच में। पिंग जो है दोस्तों हमारा पिंग कमांड जो है वो समराइज करता है पैकेट लॉस को और साथ में जो है एंड राउंड ट्रिप डिले बिटवीन टू आईपी एंड पॉइंट, और टू आईपी इन पॉइंट्स के बीच में जो है दोस्तों ये राउंड ट्रिप डिले को भी जो है समराइज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा इनकॉरेक्ट था वो तो पता ही है, तो क्यों इनकॉरेक्ट है वो देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा था पिंग स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट जनरेटर, यहाँ जो है दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, यहाँ पे कह रहा था पिंग का जो है फुल फॉर्म होगा पैकेट इंटरनेट जनरेटर, लेकिन दोस्तों पिंग का जो है फुल फॉर्म रियल में होता है पैकेट इंटरनेट ग्रॉपर, इसलिए जो है ये ऑप्शन इनकॉरेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ कह रहा था पिंग का फुल फॉर्म होगा पैकेट इंटरनेट जनरेटर, लेकिन नहीं दोस्तों, पिंग का फुल फॉर्म होगा पैकेट इंटरनेट ग्रॉपर, ठीक है। और ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट क्यों था, ये इसलिए है कि द पिंग कमांड डज नॉट चेक द पोर्ट लेवल कनेक्टिविटी, इट चेक्स द कनेक्टिविटी एट द नेटवर्क आईपी लेयर, और दोस्तों हमारा पिंग कमांड जो है वो जो है पोर्ट लेवल पे कनेक्टिविटी को चेक नहीं करता है। ऑप्शन बी था ना कि द पिंग कमांड चेक्स द पोर्ट लेवल कनेक्टिविटी बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन पॉइंट, तो दोस्तों हमारा पिंग कमांड जो है पोर्ट लेवल कनेक्टिविटी को जो है चेक नहीं करता है, ये चेक करता है इट चेक द कनेक्टिविटी एट द नेटवर्क आईपी लेयर, ठीक है दोस्तों, ये चेक करता है कनेक्टिविटी को नेटवर्क आईपी लेयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइवेट की इन एसिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइवेट की इन एसिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय, ठीक है दोस्तों, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो में जो है प्राइवेट की किसके द्वारा केप्ट किया जाता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सेंडर के द्वारा, ऑप्शन बी है रिसीवर के द्वारा, ऑप्शन सी है सेंडर और रिसीवर के द्वारा, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्राइवेट की इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो है प्राइवेट की किसके द्वारा कैप्ट किया जाता है, तो कैप्ट किया जाएगा दोस्तों रिसीवर के द्वारा, यानी कि
एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो है प्राइवेट की रिसीवर के द्वारा कैप्ट किया जाता है। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो है प्राइवेट की रिसीवर के द्वारा कैप्ट किया जाता है, ठीक है। द प्राइवेट की इज केप्ट ओनली बाय द रिसीवर ऑफ द मैसेज, प्राइवेट की जो है मैसेज का जो रिसीवर होता है उसी के द्वारा जो है ये केप्ट किया जाता है। प्राइवेट की जो है मैसेज का जो रिसीवर होता है उसी के द्वारा जो है ये केप्ट किया जाता है। इट्स एम इज टू मेक श्योर डैट ओनली द इंटेंडेड रिसीवर एंड डिसाइफर द मैसेज, इंटेंडेड रिसीवर कैन डिसाइफर द मैसेज, और ये जो है इसका एम यही है और ये श्योर करता है कि इंटेंडेड रिसीवर जो मेन रिसीवर है उसका वही जो है इस मैसेज को जो है डिसाइफर कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो अब क्लियर हो गया, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो है प्राइवेट की रिसीवर के द्वारा क्रिप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए फंक्शन डेट टेक्स पॉइंटर टू ए फ्लोट ए पॉइंटर टू ए पॉइंटर टू ए कैर एंड रिटर्न्स ए पॉइंटर टू ए पॉइंटर टू द इंटीजर। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है पूछ रहा है, बताइए द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा फॉर ए फंक्शन डेट टेक्स ए पॉइंटर, फंक्शन जो कि पॉइंटर्स को लेता है, ठीक है, फंक्शन जो कि पॉइंटर्स को टेक करता है टू ए फ्लोट, उसके बाद ए पॉइंटर टू ए पॉइंटर टू ए कैर, पॉइंटर को पॉइंटर से कैर में एंड रिटर्न से पॉइंटर टू ए पॉइंटर टू एन इंटीजर, और रिटर्न करता है पॉइंटर टू ए पॉइंटर टू एन इंटीजर। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंट पॉइंटर पॉइंटर फन फ्लोट पॉइंटर कैर ये डबल पॉइंटर, यही जो है ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ इज अंडर स्कोर एरे ब्रैकेट सेमिकॉल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो ये जो दिया गया है यहाँ पे पूछ रहा है इज अंडर स्कोर एरे सेमिकॉल ब्रैकेट सेमिकॉलन फंक्शन इन सी प्लस प्लस, इसका क्या जो है यूज है। तो ऑप्शन ए है इट चेक्स डैट द स्पेसिफाइड वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नोट, ये जो है चेक करता है कि स्पेसिफाइड वेरिएबल जो है दोस्तों वो एरे है कि नहीं है। ऑप्शन बी है ये चेक करता है कि इट चेक्स डैट द स्पेसिफाइड एरे इज ऑफ सिंगल डायमेंशन और नोट, ये जो है चेक करता है कि स्पेसिफाइड एरे जो है वो सिंगल डायमेंशन का है कि नहीं है। ऑप्शन सी है इट चेक्स डैट द स्पेसिफाइड एरे इज ऑफ मल्टी डायमेंशन और नोट, ऑप्शन सी है कि ये चेक करता है कि स्पेसिफाइड एरे जो है वो मल्टी डायमेंशन है कि नहीं है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इट चेक्स डैट द स्पेसिफाइड वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नोट। तो दोस्तों ये जो है चेक करता है कि स्पेसिफाइड वेरिएबल जो है वो एरे है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा इन्वर्टेड कोमा इज अंडर स्कोर एरे ब्रैकेट सेमी कॉलन फिर इन्वर्टेड कोमा, ये जो है चेक करता है, ये जो है चेक करता है कि दोस्तों कि स्पेसिफाइड वेरिएबल जो है वो एरे है कि नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने के लिए जो है कौन कौन से फीचर्स का यूज करना होगा, कौन कौन से फीचर्स का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन बी है इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, मतलब कि ये इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म ये सभी का ज़रूरत है। ये सभी का ज़रूरत क्यों है, तो ये सभी के सभी जो हैं उप्स के कॉन्सेप्ट हैं, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने के लिए उप्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, जैसे कि क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, उप्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी के सभी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है
प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन सकता है। ठीक है, अब देख लीजिए इसका आंसर तो डी है ही, मोर देन वन ऑफ द अबव क्यों है हम लोगों ने डिस्कस भी किया। अब यहाँ पे देख लीजिए, फॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी कंसीडर्ड ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वही बात है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने के लिए जो है इट मस्ट सपोर्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसे जो है मस्ट सपोर्ट करना होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो भी जो फंडामेंटल सपोर्ट हैं, ठीक है, जो भी फंडामेंटल फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, यानी कि उप्स के जो भी फंडामेंटल फीचर्स हैं वो सभी को जो है इसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास। अब पूछ रहा है बताइए क्लास के बारे में से जो है इन सभी में से जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। ऑप्शन ए है एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, एक ऑब्जेक्ट जो है क्लास का इंस्टेंस होता है। एक क्लास इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, क्लास जो है इसके ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस होगा। एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द डेटा टाइप ऑफ डेट क्लास, एक ऑब्जेक्ट जो है इंस्टांस ऑफ डेटा टाइप ऑफ डेट क्लास, डेट क्लास की इंस्टांस की डेटा टाइप होगा। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोस्तों हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ इट्स क्लास, ऑब्जेक्ट जो है वो अपने क्लास का इंस्टांस होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपने क्लास का जो है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ इट्स क्लास, ऑब्जेक्ट जो है अपने क्लास का जो है इंस्टांस होता है। ओके दोस्तों, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ए क्लास सर्व्स एज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है दोस्तों एक क्लास सर्व करता है एक ब्लूप्रिंट और एक टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने क्लास का इंस्टांस होता है। ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों वो अपने क्लास का इंस्टांस होता है, मीनिंग डैट इट इज ए स्पेसिफिक रियलाइजेशन ऑफ डैट क्लास। मीनिंग ये हुआ कि वो जो है उसका स्पेसिफिक रियलाइजेशन होता है उस क्लास में। याद रखना दोस्तों ऑब्जेक्ट जो है क्लास, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, ऑब्जेक्ट जो है क्लास का इंस्टेंस होता है, ये याद रखना है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि which can be used to create an abstract class in the C++ programming language. C++ programming language में है दोस्तों हम लोग abstract class बनाने के लिए किस चीज़ का create करते हैं। ठीक है दोस्तों, C++ programming language में जो है दोस्तों abstract class बनाने के लिए जो है हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, By using the pure virtual function in the class, ऑप्शन ये है by using the pure virtual function in the class, क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन का यूज करके। ऑप्शन बी है by declaring the virtual function in the base class, बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करके। ऑप्शन सी है by declaring the virtual keyword afterward the class declaration, वर्चुअल कीवर्ड को डिक्लेयर करके क्लास डिक्लेरेशन में। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है प्योर वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल करके जो है हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर लेते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, प्योर वर्चुअल फंक्शन का जो है दोस्तों इस्तेमाल करके, प्योर वर्चुअल फंक्शन का क्लास में इस्तेमाल करके जो है हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर लेते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो आइए यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में देखा जाए। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन सी प्लस प्लस इज ए क्लास डैट कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड ऑन इट्स ऑन। ठीक है दोस्तों, सी प्लस प्लस का एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है वो जो है खुद से इंस्टांशिएट नहीं हो सकता है।
ठीक है फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस का जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो खुद से जो है इंस्टांशिएट नहीं हो सकता है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन सी प्लस प्लस इज ए क्लास डैट कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड ऑन इट्स ओन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है सी प्लस प्लस में एक ऐसा क्लास होता है जो खुद से जो है दोस्तों इंस्टांशिएट नहीं हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, मीनिंग यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लास डायरेक्टली। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट, मीनिंग ये हुआ कि यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डायरेक्टली। मीनिंग ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसे जो है हम लोग डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इंस्टीड इट सर्व्स एज ए ब्लू प्रिंट फॉर अदर क्लास। ये जो है अदर क्लास के लिए ब्लू प्रिंट का काम जो है करता है, अदर क्लास के लिए जो है ये ब्लू प्रिंट का काम करता है। कौन करता है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास। प्रोवाइडिंग ए कॉमन इंटरफेस एंड पोटेंशियली सम डिफॉल्ट फंक्शनलिटी दैट ड्राइव्ड क्लासेस कैन इनहेरिट एंड एक्सटेंड। ठीक है दोस्तों, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है ब्लू प्रिंट का काम करता है अदर क्लासेस के लिए, प्रोवाइडिंग ए कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड करके एंड पोटेंशियली सम डिफॉल्ट फंक्शनलिटी और कुछ जो है डिफॉल्ट फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करके डेट डिराइव्ड क्लास कैन इनहेरिट एंड एक्सटेंड, जिसे जो है डिराइव्ड क्लास इनहेरिट और एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रहने देते हैं। करीब एक घंटे के अप्रॉक्स का ये सेशन हो चुका है। दोस्तों हम अपने YouTube चैनल पे कंटिन्यू जो है BPSC TRE कंप्यूटर साइंस और STET कंप्यूटर साइंस के लिए जो है सेशन लाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक भी किया करें और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। और कंप्यूटर क्लास के अलावा इंस्टीट्यूट जो है हमारे क्लासेस जो हैं वो GK GS के भी होते हैं। तो अभी जो है हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं NCERT बुक से। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं TRE में ज्योग्राफी का कितना क्वेश्चन आया था। ज्योग्राफी भी कर रहे हैं हम लोग अपने क्लास में, NCERT बुक से ही कर रहे हैं, तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा ही वहाँ से। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखा करें। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।